डिवाइस में बैटरी नहीं बची थी, 2% बैटरी बची थी, इसीलिए हम शाम को निकल रहे हैं, भेड़ा पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो चार्ज कर लिया था मोबाइल, अब चल रहे हैं भेड़ा पार्क की तरफ। बोर्ड था बृंदा हर्बल पार्क का और पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के हम भेड़ा पार्क और बृंदा जा रहे हैं पार्क के। डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिलेंगी, जो अलग अलग वैरायटी होती है सब कुछ मिलेगी यहाँ पे, वो सारी वैरायटी दिखाएंगे। बहुत सही देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं पार्क को। शाम को इवनिंग में आए हैं और मैं भी इसीलिए इवनिंग में आया था क्योंकि मॉर्निंग में अगर आता तो धूप भी सनसेट काफ़ी पड़ता, बट इवनिंग में लाइट इफेक्ट भी पड़ेगा और ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग। हर्बल गार्डन है यहाँ, डिफरेंट टाइप के पौधे मिलेंगे, वैरायटी बहुत है यहाँ पे। जो हर्बल गार्डन की एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पे पौधों की वैरायटी बहुत होती है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पौधे की बात नहीं है, यहाँ पे वो काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि इटावा में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर इटावा के आसपास के हो तो इधर साइड आइएगा, डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिलेंगी प्लांट्स की या औषधि की, काफ़ी जो बहुत अलग अलग वैरायटी हैं, रेयर जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिलेंगी आपको। रहे हो तुम एक्चुअल में, ये सुराही के अंदर बना रखे हैं इन्हें अपने घोंसले। देख सकते हैं पूरा गार्डन तालाब के किनारे है और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो और मजा आते है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम आज। मैं बहुत खुश हूँ एक तरह से कि पार्क का एक अलग ही नजारा है यहाँ का। शाम को आप आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गार्डन की विशेषता होती है कि यहाँ पे पौधों की भी प्रकार होते हैं, पौधों के जहाँ तक रेयर पौधे जो इटावा आपको नहीं दिखते हैं वो यहाँ पे काफी सारे पौधे हैं। जैसे की बेला लैला मजनू का पौधा कभी आपने सुना है, अभी हम आपको दिखाते हैं लैला मजनू का पौधा। आप भी नहीं शौक हो रहे यार लैला मजनू, तो मैं भी यार शौक हुआ था लैला मजनू, बस बोर्ड पे पढ़ा है मैंने लैला मजनू, तो दिखाते हैं तुमको भी लैला। मैंने कहा था मैं तुम्हें लैला मजनू का पौधा दिखाऊंगा कल। उगा कैसे लिया यार, डिफरेंट टेम्परेचर में देख रहे हो, यहाँ ये रहा देखो सेब 40 डिग्री में सेब खड़ा हुआ है। अच्छा लग रहा है जो कि फाइनल हम गार्डन के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा ब्लू लाइट है,
एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से, बट काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैरायटी है, जबकि गार्डन में काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, इवनिंग में आते हैं तो वॉक भी करते हैं, तो दो तरीके से बेनिफिट होते हैं, एक तो फिज़िकली ठीक रहते हैं, जबकि रिफ्रेशमेंट यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि चारों तरफ पौधे हैं और पौधों से यहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई होता है। बट प्योर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई हार्मफुल नहीं है। आप ये पार्क के अंदर आइएगा, काफ़ी एंजॉय कीजिएगा। काफ़ी इसमें चलने में मज़ा आ रहा है, जैसे अभी तो इस पे चल रहे हैं, बट फिर देखते हैं सामने चल रहे हैं बाहर की तरफ। देख सकते हैं हम गार्डन के मिडिल पॉइंट पे खड़े हैं और ये बीच में फाउंटेन रहा है जो कि चलता है, बट अभी चल नहीं रहा है। बैठने की भी जगह देख रहे हो आप, तो बैठने की जगह यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और गार्डन देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बट ये देख रहे हो काफ़ी बड़ा गार्डन है, जो कि बहुत बड़ा गार्डन है और डिफरेंट टाइप प्लांट्स काफ़ी हैं। ये हर्बल गार्डन की यही विशेषता होती है कि प्लांट्स डिफरेंशिएशन बहुत होती है, आज से ज़्यादा वैरायटीज है, तो काफ़ी वैरायटी देखी है, काफ़ी अभी देख ही नहीं पाए हैं, बट बहुत बड़ा है। हर्बल पार्क रेन वाटर हार्वेस्ट, हम पहुंच गए हैं गार्डन की सबसे अच्छी जगह पे एक तरह से, तो झूले के सिस्टम का बना रखा है, लकड़ी का स्ट्रक्चर है अंदर और स्टील का है बॉर्डर इसका, बट एंजॉय काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं और आगे चलते हैं गार्डन में और डिफरेंट। भैया से मिले, बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। और ये दिखने में लगते हैं और ऐसे ही अंदर से हम्बल हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इनकी स्माइल से पता लगता है इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो नाइस टू मीट यू पंकज भैया, तो अब हम निकल रहे हैं और आगे की तरफ और ब्लॉग करते हैं कंप्लीट। पंकज भैया को यहाँ कर रहे हैं हम बाय और निकल रहे हैं आगे, फव्वारा चालू हो गया और हम जा रहे हैं फव्वारे। चल रहे हैं फिलहाल बाहर की तरफ, तो ब्लॉग हुआ है कमलाल, गार्डन घूम लिया पूरा, अब चल रहे हैं घर की तरफ, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।